नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। और अब देखिए खास खबरें। ट्रेन में सफाई का काम करने वाली BVG कंपनी के सुपरवाइजर नूरहक निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश एवं कर्मचारी लखन परमानंद सिंह निवासी बिहार के कब्जे से 8 विदेशी बिल्लियां बरामद की गई हैं। विदेशी बिल्लियों के तस्कर ये बिल्लियां इन कर्मचारियों के हवाले छोड़कर चले गए थे और इन बिल्लियों को दिल्ली में उतार कर इसका मेहनताना लेने का कहा था। RPF ने मिली सूचना के आधार पर इटारसी में इन बिल्लियों को और सफाई कर्मचारी को उतार लिया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर यह मामला सौंपा गया है। रविवार दोपहर इटारसी रेलवे स्टेशन पर मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से अमृतसर जा रही पठानकोट एक्सप्रेस के B3 कोच में विदेशी नस्ल की 8 पालतू बिल्लियां बरामद की गई हैं। ट्रेन में गश्त करने वाली टीम ने इस ट्रेन में बिल्लियों की तस्करी किए जाने की सूचना दी थी। सूचना के बाद RPF और वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। RPF TI देवेंद्र कुमार और वन विभाग की टीम ने ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही चेकिंग अभियान शुरू किया और B3 कोच से इन बिल्लियों को बरामद कर लिया है। कोच में 4 बकेट से 8 बिल्लियां उतारी गई हैं। बिल्लियों की जांच वन विभाग द्वारा की गई तो उन्होंने बताया कि यह पालतू बिल्लियां हैं जिन्हें कोई भी पाल सकता है, जो बाजार में बिकती हैं, जिन पर वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। बिल्लियों व दोनों कर्मचारियों को इटारसी स्टेशन पर उतार कर RPF थाना में बिठाया गया है। RPF पोस्ट प्रभारी थाना प्रभारी ने बताया कि बाद में सभी बिल्लियों को बुकिंग चार्ज लगाकर छोड़ दिया गया है और बुकिंग चार्ज लगभग 8,000 रुपये की वसूला गया है। तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।